बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग टू फेज सिंपलेक्स मेथड। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम सिंपलेक्स मेथड को इस्तेमाल करते हुए लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि सिंपलेक्स मेथड जो है वो हम सिर्फ उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास लीनियर मॉडल की तमाम कंस्ट्रेंट्स लेस देन और इक्वल टू फॉर्म के अंदर हो। और फिर हमने पिक एम मेथड को डिस्कस किया, जो कि हमने कहा था कि अगर आपके पास तमाम की तमाम कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म में हो या मिक्स फॉर्म के अंदर हो, कुछ ग्रेटर देन हो, कुछ इक्वल टू हो, कुछ लेस देन हो, ठीक है, सो उस वक्त हम पिक एम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द सेम कंडीशन, जिस कंडीशन में हम पिक एम अप्लाई कर सकते हैं, हम टू फेज सिंपलेक्स मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि चाहे आप टू फेज सिंपलेक्स मेथड अप्लाई कर लें या मिक्स कंस्ट्रेंट फॉर्म और all the constraints having the condition of greater than or equal to form हो या जो है वो big M method apply कर लें। So दोनों में से कोई भी method apply किया जा सकता है। Okay, so difference basically क्या आ जाता है कि जो simplex method होता है और जो as well as big M method होता है वो हमेशा आपके feasible solution से start करता है। Mean feasibility और ऑप्टिमैलिटी आप एक ही को के अंदर चेक कर रहे होते हो कि सॉल्यूशन फिजिबल भी होना चाहिए और ऑप्टिमम भी होना चाहिए। जबकि टू फेज सिंपलेक्स मेथड के अंदर जैसे नाम से जाहिर हो रहा है दो फेजेस होते हैं। सो फर्स्ट फेज के अंदर हम जस्ट ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या मॉडल फिजिबल है। सो जब हम मॉडल फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि क्या उस मॉडल को हम सॉल्व भी कर सकते हैं या नहीं, कहीं मॉडल वो अनबाउंडेड तो नहीं है या वो इनफिजिबल मॉडल तो नहीं है। सो दैट मीन फर्स्ट फेज जस्ट और जस्ट टू फेज के अंदर ये चेक कर रहा होगा कि क्या मॉडल जो है वो फिजिबल है या नहीं। वंस वी मेक श्योर कर लेंगे कि मॉडल फिजिबल है तो देन फिर हम ऑप्टिमम की तरफ जाएंगे, मीन फेज टू स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स मी स्टार्ट कि हम सबसे पहले टू फेज सिंपलेक्स मेथड को जो है वो अप्लाई करने के लिए या सॉल्व करने के लिए सिंपलेक्स मेथड को टू फेज सिंपलेक्स मेथड को यूज करते हुए हम फेज वन में क्या कर रहे होते हैं। Like the simplex method as well as like the big N method, हम two phase simplex method में भी सबसे पहले अपने linear model को convert कर रहे होंगे into a standard form। Okay, और standard form में convert करने के लिए जैसे उनको पहले बताया कि it would be better कि हम problem को maximization में convert कर लें, क्योंकि वो maximization case में नहीं है, but क्योंकि यहाँ पे ये already maximization case के अंदर है तो हमें फिर इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दैट मीन दैट इज इन अ मैक्सिमम फॉर्म। अगर वो मिनिमम में होता तो हम उसको मैक्सिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते थे, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड माइनस वन। सो इस वक्त ये ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन केस के अंदर है, सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगेन लाइक जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द पिक एम मेथड कि हम ग्रेटर देन इनइक्वालिटी को इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के अंदर मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसको हम कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्लैक वेरिएबल और यू कैन से बाय नेगेटिव स्लैक वेरिएबल या जिसको हम सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। अगेन हम इसमें जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लेंगे, जैसे मैंने को प्रीवियस वीडियो में जो पिक एम मेथड वाली वीडियोस में एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल को इनकॉर्पोरेट करने की वजह ये होती है क्योंकि हम सरप्लस को इनिशियल टेबल में बेसिक वेरिएबल नहीं बना सकते। और उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी कि आपके पास इसलिए नहीं हम बना सकते क्योंकि अगर हम इसको बेसिक बनाएंगे तो आपकी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है। क्वांटिटी नेगेटिव क्यों हो जाती है, क्योंकि इनिशियली हम अज्यूम करके चलते होते हैं कि आपका जो बेसिक वेरिएबल जो एक्चुअल डिसीजन वेरिएबल है उनकी वैल्यू जीरो है। सो जब वो जीरो होती है सो दैट मीन आप सरप्लस को बेसिक में कन्वर्ट करोगे तो जब वो बेसिक में आएगा तो आपकी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन इनफिजिबल हो जाएगा। सो इसलिए हम एस वन से इसे कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इस वजह से हम वहां पे आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली सेकंड कंस्ट्रेंट को हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो हमने कर दिया माइनस एस टू प्लस ए टू, ये लेस देन था तो यहाँ पे हमें सरप्लस नहीं बल्कि स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया इन ऑर्डर टू मेक इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। और इन द एंड हमारे पास नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट क्या आ जाएगी, एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू एज वेल एज एस थ्री ए वन ए टू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होने चाहिए। ओके, और जब हम क्योंकि टू फेज का फेज वन हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम फिलहाल अपने डिसीजन वेरिएबल के कोएफिशिएंट भी जीरो लेके चलेंगे, नॉट द एक्चुअल वन,
सरप्लस और स्लैक का हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि दे आर नॉट इनहेंसिंग और डिक्रीजिंग एनी थिंग इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट्स व्हाई ये हमेशा जीरो के साथ लिखे जाएंगे, और टू फेज के अंदर जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो विद नेगेटिव साइन आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन केस है. सो नेगेटिव ए वन माइनस नेगेटिव ए टू. और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टू फेज के फेज वन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू जस्ट चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, इनके क्या हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं या नहीं. ओके, सो लेट मी राइट डाउन कि हम इस मॉडल को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम इससे इनिशियल टेबल हम डिवेलप करें. सो इनिशियल टेबल हम क्या कर लेंगे कि हमारा जो सीजे वाली रो है, सो दिस वन, सो लेट मी चेंज दैट कलर फर्स्ट. ओके, सो जो हमारे सीजे वाली रो है इसमें हमारे पास जो कॉफिशियंट है वो क्या आ जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इस वक्त हमने कॉफिशियंट डिसाइड किया है which is 0, 0, 0, so ये हमेशा होंगे. और a1 का हमारे पास कॉफिशियंट क्या आ जाएगा जी, माइनस वन, और a2 का क्या आ गया, माइनस वन. इस तरीके से राइट हैंड साइड फर्स्ट कॉन्स्टेंट की 18, सेकंड की 12, थर्ड की 34. ओके, a1 का कॉफिशियंट जो कि फर्स्ट कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस वन, a2 सेकंड कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस वन, s3 जीरो आ जाएगा, एंड दिस इज द कॉफिशियंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टेंट. सो x1 का कॉफिशियंट क्या था, x2 का, s1 माइनस वन, बाकी हमने second constraint and third constraint. As you know that कि हम zj की row कैसे calculate करते हैं, quantity multiply by coefficient of basic variable, quantity multiply by coefficient of basic variable plus quantity multiply by coefficient of basic variable. So after multiplication when we will sum them, so we will get the minus 30. अब हमने x1 के against निकालना है, so 2 multiply by minus 1 plus 1 multiply by minus 1 plus 3 multiply by 0, so we will get minus 1 and so on. So हमारे पास zj की रो आ गई. ओके, वंस हमारे पास zj की रो आ गई, अब हमने क्या निकालना है, cj minus cj. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 minus 3 positive 3 आ जाएगा, 0 minus minus 2 positive 2 आ जाएगा, and so on. इस तरीके से हमने zj की रो की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली. ओके, अब हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है. So as we know that के optimality condition क्या होती है कि if all the values of cj minus zj are less than or equal to zero, so we will say कि solution optimum है. Okay? क्योंकि अभी ये तमाम की तमाम values less than or equal to zero नहीं हुई, it means this is not the optimum solution. So it means next step फिर हम क्या कर रहे थे, हम in order to find the optimum solution or you can say to check the feasibility, क्योंकि हम phase one कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले पीवट कॉलम डिसाइड करेंगे. और पीवट कॉलम हमारे पास क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन केस है, सो जो सीजे वन एस जीजे की लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारा पीवट कॉलम कहलाएगी. सो दैट मीन दिस इज माय पीवट कॉलम. ओके, अब हमने क्या करना है, इट मीन कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल एक्स वन है वो मेरा एंट्रिंग वेरिएबल होगा. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया कि एंट्रिंग वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, अ नॉन बेसिक वेरिएबल विच इज कन्वर्टिंग इनटू अ बेसिक वेरिएबल. ओके, सो x1 जो है वो नॉन बेसिक है इस वक्त, सो नेक्स्ट इटरेशन में ये बेसिक हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको एंट्रिंग वेरिएबल कहते हैं. और नॉन बेसिक वेरिएबल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू जो है वो जीरो, सो राइट में x1 की वैल्यू जो है वो जीरो है. ओके, और बेसिक वेरिएबल्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू नॉन जीरो, लाइक जैसे a1 की वैल्यू 18 है, a2 की 12 है, और s3 की 34 है. ओके, अब हमने डिसाइड करना है विच वेरिएबल वुड बी लीव. ओके, आइदर ए वन, ए टू और एस थ्री. सो वो डिसाइड करने के लिए हमें रेशियोज निकालनी है. अगेन रेशियोज हम कैसे निकालते हैं, दैट इज द क्वांटिटी वेरिएबल डिवाइडेड बाय पिवट कॉलम एलिमेंट. सो क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, 18 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 1, 34 डिवाइडेड बाय 3, सो वी गेट द रेशियोज. सो जो स्मॉलेस्ट रेशियो होती है वो हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल जो होगा वो हमारा लीविंग वेरिएबल होगा. सो ये स्मॉलेस्ट रेशियो वाली जो रो है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पिवट रो, और जो हमारा इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है दैट इज अ लीविंग वेरिएबल. सो जब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे x1 इसकी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि a1 लीव कर जाएगा और x1 एंटर कर जाएगा, और इसका यहाँ पे कॉफिशियंट क्या आ जाएगा, जो x1 का कॉफिशियंट है विच इज जीरो राइट नो इन अ फेज वन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कॉफिशियंट है. ओके, और हमें क्या करना होगा नेक्स्ट इटरेशन में, यहाँ पे वन करना है. ओके, और यहाँ पे और यहाँ पे जीरो करना है. सो सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे, हम जब नेक्स्ट टेबल बना रहे हैं तो एज यू कैन सी दैट के हमारे पास x1 एंटर कर गया, ये जीरो हो गया. ओके, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फेज वन का
यहाँ पे हमने वन लाने के लिए क्या कर दिया, इसको अगर मैं कह दूं दिस इज ओल्ड आर वन, ओ आर वन मीन ओल्ड रो वन, तो इस ओल्ड रो वन को हमने टू पे डिवाइड कर दिया, सो वी विल गेट नाइन, वी गेट वन, वन बाय टू, माइनस वन बाय टू एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे हमें जीरो लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा दिस इज कॉल्ड एज न्यू आर वन, सो मुझे जो है वो दिस इज कॉल्ड एज न्यू आर वन, सो मुझे न्यू आर टू और न्यू आर थ्री निकालना है। सो न्यू आर वन कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज बेसिकली आपके पास आ जाएगा जी, लेट मी टेक द कलर वाइट। ओके, सो मेरे पास जो है वो न्यू आर टू हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज बेसिकली दिस दिस वन। ओके, कि मुझे नई आर जो है वो रो निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज ओल्ड आर टू माइनस जो हमने नई आर वन बनाई है, दैट इज माइनस न्यू आर वन, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी वन था। ओके, सो इस वजह से जो है वो हमने इसको यूज कर लिया, यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो पॉजिटिव वन था, इस वजह से मैंने आर वन को जो है सिंपली माइनस वन से लिखा। इसी तरीके से जब हम न्यू आर थ्री कैलकुलेट कर रहे होंगे, सो न्यू आर थ्री क्या आ जाएगा, दैट इज ओल्ड आर थ्री माइनस, और न्यू आर वन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज थ्री, सो दैट इज थ्री न्यू आर वन। सो दैट मीन यू कैन यूज सिंपल फॉर्मूला के जो आपके पास वहां पे कोफिशिएंट पड़ा हुआ है, सो वो जो नई आर आपने कैलकुलेट की है उससे मल्टीप्लाई करके ओल्ड में से माइनस कर दें। सो हमारे पास यूजिंग दिस मैथ एक्सप्रेशन वी विल फाइंड आउट रो न्यू रो टू एज वेल एज न्यू रो थ्री। ओके, सो वो हमारे पास आ जाएंगे। ओके, सो ये हमारे पास नई रो टू आ गई, नई रो थ्री आ गई। अब हमने क्या करना है जी, सिंपली हमने अगेन सेट जे कैलकुलेट करना है और हमने जो है वो सी जे माइनस डी जे कैलकुलेट करना है। सो जेड जे कैलकुलेट करने का तरीकेकार अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज बेसिकली क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, देन अगेन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय coefficient of basic variable, so we will get zj similarly against x1 b, isi tarike se nikala jayega 1 multiplied by 0 plus 0 multiplied by minus 1 plus 0 multiplied by 0, so we will get 0, again 1 by 2 ke against kiya jayega 1 by 2 multiplied by 0 plus 1 by 2 multiplied by minus 1, minus 1 by 2 aa jayega plus 1 by 2 multiplied by 0, so minus 1 by 2 and so on, to hamare paas zj ki row aa jayegi। सो सी जे माइनस जी जे रो निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सी जे माइनस जी जे वी विल गेट सी जे माइनस जी जे, सी जे माइनस जी जे वी विल गेट सी जे माइनस जी जे एंड सो ऑन। सो हमारे पास उसकी वैल्यूज आ जाएगी। अगेन इफ यू कैन सी दैट, क्योंकि हमारे पास सी जे माइनस जी जे की तमाम वैल्यू डेसिमल इक्वल टू जीरो नहीं है, इट मीन अभी हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे। सो अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें पिवट कॉलम डिसाइड करना है। सो पिवट कॉलम हम कैसे डिसाइड करेंगे, विद द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ सीजे माइनस सीजे। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमें टाई नजर आ रहा है, सो टाई ब्रेक करने का एक तरीके का तो ये है ना पिवट कॉलम, कि आप आर्बिट्रेरी कोई भी रो कॉलम को जो है वो पिक कर सकते हो एज अ पिवट कॉलम, बट रिमेंबर दैट कि जब भी डिसीजन वेरिएबल जो कि आपका एक्चुअल डिसीजन वेरिएबल और स्लैक सरप्लस और आर्टिफिशियल में से जब कोई टाई आ रही हो, तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा डिसीजन वेरिएबल को जो है वो प्रेफरेंस देनी है। एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, आपने टू फेज सिंप्लेक्स मेथड के अंदर अगर आप देखो, फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल थे A1 और A2, सो नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने A1 को यहाँ पे रिमूव कर दिया। वो क्यों रिमूव किया, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो है वो A1 हमारे पास क्या था, लीव कर गया। सो याद रखिएगा कि टू फेज सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जो है, जैसे ही अगर आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव करेगा, आपने उसको नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके पास क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया था जब हम बिग एम मेथड डिस्कस कर रहे थे, कि आपके पास ये डमी वेरिएबल होता है और हम ये चाहते हैं कि ये सोल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि इसको फिलहाल जो हमने खुद से इनकॉर्पोरेट किया होता है वो ड्यू टू नेगेटिव स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल के लिए किया होता है, ताकि हमारी क्वांटिटी नेगेटिव ना हो। लेकिन जैसे ये लीव करेगा इन अ टू फेज सिंप्लेक्स मेथड, हम उसके कॉलम को रिमूव कर देंगे। सो दैट्स वे हमने A1 वाला कॉलम यहाँ पे नहीं लिखा।
ओके अगर हम वापस आए तो हमारे पास हमने डिसाइड किया कि एक्स टू जो है वो मेरा पीवट कॉलम होगा, ओके पीवट रो डिसाइड करने के लिए, सो दैट मीन एक्स टू मेरा एंट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा, ओके इन अ नेक्स्ट इटरेशन। और लीविंग वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, अगेन हम रेशियोज निकालेंगे, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पीवट कॉलम एलिमेंट्स, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पीवट कॉलम एलिमेंट, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पीवट कॉलम एलिमेंट्स, वी विल गेट द रेशियोज। सो मिनिमम रेशियो मेरे पास क्या है, 6, सो दैट मीन ए टू लीव कर जाएगा। अगेन अगर हम देखें जब हम नया टेबल बनाएंगे तो अब ए टू लीव कर गया, तो अब ए टू वाला कॉलम भी हम नेक्स्ट आइटरेशन में डिलीट कर देंगे। सो हमें करना क्या है, यहाँ पे मुझे 1 लेके आना है, सो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम ओल्ड आर टू का नाम दे देते हैं क्योंकि हमने थर्ड आइटरेशन में जाके न्यू आर टू बनानी है। और वो न्यू आर टू हम कैसे बना रहे होंगे, सिंपली हम ओल्ड आर टू की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, आर टू की वैल्यू को जो है वो डिवाइड कर देंगे 1/2 से। सो जब 1/2 करेंगे, सो दैट मीन 3/1/2, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो सिमिलरली यहाँ पे मुझे 0 करना है, ओके और मुझे यहाँ पे भी 0 करना है। सो मैं एक आपको बता देता हूँ, सो दैट मीन न्यू आर, दिस इज ओल्ड आर वन, सो मुझे न्यू आर वन जो निकालना है नेक्स्ट आइटरेशन क्या आ जाएगा, ओल्ड आर वन, ओके सो दिस इज ओल्ड आर वन, दैट इज दीज वैल्यूज माइनस हम क्या कर देंगे 1/2, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 1/2 पड़ा हुआ था, पॉजिटिव 1/2 इनटू न्यू आर टू, क्योंकि हम न्यू आर टू को जो है वो बेस बना रहे हैं, दैट इज दिस वन जो हमारे पास वो आई हुई होगी क्योंकि हमने इसको यहाँ पे 1 कर चुके हुए। सो सेम इज द केस जब हम न्यू आर थ्री निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा, ओल्ड आर थ्री -1/2, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन पॉजिटिव 1/2 पड़ा हुआ, पॉजिटिव 1/2 इंटू ओल्ड आर सॉरी न्यू आर टू, ओके जी। सो वो हमारे पास यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। सो अगर हम इसको देखें तो मेरे पास रिजल्ट्स ये आ रहे हैं। सो अब ए टू की जगह पे एक्स टू एंटर कर गया, सो आफ्टर द जो मैनिपुलेशन जो हमने ऊपर जो शो की उस रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल करते हुए, वी गॉट x1 रो, x2 रो, s3 रो हमारे पास आ गई, ओके जी। और एज यू कैन सी दैट कि a1 भी डिलीट हो गया और a2 भी डिलीट हो गया, और हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो x1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, x2 एग्जिस्ट कर रहा है, s3 एग्जिस्ट कर रहा है। सो a1 और a2 अब हमारे सॉल्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है, एज वेल एज वी कैन सी दैट क्योंकि cj माइनस zj सारी सारी लेस देन और इक्वल टू 0 हो गई है, ओके मीन यहाँ पे अभी भी कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो दैट मीन हमारी जो वो फेज 1 की फिजिबिलिटी कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है। सो दैट इज इंडिकेटिंग दिस मॉडल हैज अ फिजिबल सॉल्यूशन, ओके कि हमने फिजिबिलिटी की कंडीशन फुलफिल कर ली है, सो इस मॉडल का हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके जी। सो दैट इज द मेन ओके सो वंस के हमने जो है वो फिजिबिलिटी की कंडीशन फुलफिल कर ली है, अब हम फेज 2 में एंटर हो सकते हैं। सो फेज 2 में जब हम एंटर हो रहे हैं तो हमने क्या करना है, अब हम वापस जो सबसे पहले जो चेंजेस आएंगे, सो जो ब्लू कलर मैंने किया हुआ, दैट मीन जो फेज 1 के अंदर हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हुए हैं उनको हम एज इट इज लिख लेंगे, ओके और यहाँ पे जो चेंजेस आ जाएंगी अब वो कॉफिशियंट में हमने क्या कर लेना, मीन x1 का कॉफिशियंट और x2 का कॉफिशियंट क्या आएगा, जो एक्चुअल हमारे प्रॉब्लम के कॉफिशियंट्स थे, मीन जो एक्चुअली स्टार्टिंग में x1 का कोफिशिएंट था वो 50 था और x2 का कोफिशिएंट 30 था एक्चुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ओके और इसी तरीके से cbi भी ये 50 हो गया, ये 30 हो गया और ये s3 0 है। एज यू नो दैट कि स्लैक और सरप्लस में उनके कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 होते हैं, तो ये 0 0 ही रहेंगे और यहाँ पे भी 0 रहेगा। सो अब हमने क्या करना है, अगेन अब हम zj की रो कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। सो वहां से हमारे पास zj की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरीके से हमारे पास x1 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, सो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन। cj माइनस zj हम कैसे निकाल रहे हैं, 50 माइनस 50 0, 30 माइनस 30 0, 0 माइनस माइनस 20 सो वो पॉजिटिव 20 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो अगेन अब अगर हम देखें कि क्या ऑप्टिमलिटी कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं, क्योंकि zj माइनस cj माइनस zj जो है तमाम भी तमाम लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है,
इट मीन अब कौन सा वेरिएबल एंटर कर रहा है, अब एस वन एंटर कर जाएगा, दिस इज द पिवट कॉलम. सो एस वन इज एंटरिंग वेरिएबल, नाउ वी नीड टू डिसाइड द लीविंग वेरिएबल. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लीविंग वेरिएबल के लिए हम रेशियो निकालते हैं, और रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग पिवट कॉलम एलिमेंट. और हमने बिग एम मेथड के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपका पिवट कॉलम एलिमेंट मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, ओके, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होती है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पिवट कॉलम एलिमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. सो अगर नेगेटिव या जीरो आपका पिवट कॉलम एलिमेंट है तो उसके अगेंस्ट हम रेशियो नहीं निकालते. और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी क्यों नहीं निकालते, क्योंकि अगर हम रेशियो लेंगे तो ये नेगेटिव रेशियो आएगी तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल जो है वो एज अ पिवट रो सेलेक्ट हो जाएगा, मीन लीविंग वेरिएबल सेलेक्ट हो जाएगा. और जब हम मैथ ऑपरेशन कर रहे होंगे तो आपकी क्वांटिटी नेगेटिव, जब क्वांटिटी नेगेटिव होगी ड्यू टू द नेगेटिव रेशियो तो आपके पास सॉल्यूशन जो है वो अगेन इनफिजिबल हो जाएगा. तो हमने इस वजह से नेगेटिव वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो रेशियो नहीं निकालनी, और अगर जीरो भी होता तो भी रेशियो नहीं निकालनी. सो इट मीन हम जो रेशियो निकाल रहे हैं वो 6 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 1, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, दैट इज 4. सो दैट मीन एस 3 विल बी लीव. सो एस 1 नेक्स्ट आइटरेशन में एंटर कर जाएगा और एस 3 लीव कर जाएगा. अगेन हमें यहाँ पे 1 ही रखना है, इट्स ऑलरेडी 1 है, बट मुझे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 करना है. तो उसके लिए हम अगेन वही एक्सप्रेशंस डेवलप कर लेंगे. सो दैट मीन क्योंकि ये रो एज इट इज न्यू आर 3 बन जाएगी, राइट नो दिस इज ओल्ड आर 3, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो एज इट इज ये रो लिखी जाएगी. तो अब मैं इसको न्यू आर 1 ही कह देता हूँ, न्यू आर 3 सॉरी. सो न्यू आर 3 एज इट इज ही ये बन जाएगी क्योंकि एज इट इज लिखी जाएगी. और ये जो ओल्ड आर 2 है और ओल्ड आर 1 है, इसको हम इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट टेबल की न्यू आर 1 और न्यू आर 3 निकाल सकते हैं. सो न्यू आर 1 के लिए जो मैथ एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ओल्ड आर 1, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और मुझे जीरो करना है और यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ओल्ड आर 1 प्लस न्यू आर 3, ओके, क्योंकि हमने इसको बेस करना है, ओके. सो माइनस 1 प्लस 1 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. इसी तरीके से न्यू आर 2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओल्ड आर 2 माइनस न्यू आर 3, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, सो जब हम नेगेटिव करेंगे तो 1 1 1, जब 1 से निकलेगा तो वो 0 हो जाएगा. सो यूजिंग दीज एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन हमने परफॉर्म कर ली. एंड व्हेन जब हमने वो परफॉर्म की तो अगेन हमारे पास एक्स 1, एक्स 2 और जो हमारा बेसिक अब बन गया वो एस 1 बच गया. सो एस 1 जो है वो हमारा सरप्लस वेरिएबल था, सो दैट इज इंडिकेटिंग द पॉजिटिव, इट मीन हमने उससे ज्यादा 4 यूनिट्स जो है वो कम अभी इस्तेमाल किए, जो जितने भी थे उससे कम हमने इस्तेमाल किए, नेगेटिव के साथ हमारी वैल्यू आ रही होती है. ओके, बाहर एक्स 1 10 आ गया, एक्स 2 2 आ गया, जेड जे की वैल्यू 560 आ गई. ओके, वो हमने कैसे निकाली, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, और उनको हमने सम कर लिया. सिमिलरली अगेंस्ट एक्स 1, एक्स 2, एस 1, एस 2, एस 3, और हमने सी जे मैंने जब सी जे किया तो हमारे पास सी जे मैंने सी जे वाली रो आ गई. एंड ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज फुलफिल, दैट इज सी जे मैंने सी जे इज लेस देन इक्वल टू 0. सो मैन दिस मीन दिस इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन. सो विच मीन अगर हम एस 2 को अगर एंटर भी करना चाहेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 560 नहीं रहेगा बल्कि 10 टाइम्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा बाय इंक्रीजिंग 1 यूनिट ऑफ एस 2 इन बाय 1 टाइम एंटरिंग इन टू द एस 2 जब हम उसको एंटर कर रहे होंगे. ओके, सो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या आ गया कि एक्स 1 आपके पास होगा 10 यूनिट, एक्स 2 होगा 2, और हमारा प्रॉफिट क्या आ गया 560. सो थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव क्लियर कि हमारे पास जो है वो टू फेज सिंपलेक्स मेथड किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.